वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अभी ये दिवाली के बिल्डिंग डेकोरेशन हो गया है हमारे सोसाइटी में और उसका रिजल्ट भी आ गया है, तो मैं और मम्मी ने सोचा हम थोड़ा जो अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है उसको थोड़ा हम देखते हैं जाके, और फायर वर्क शो भी है रतुंडा पे, तो वो भी थोड़ा देखेंगे। ये 37 बिल्डिंग का है, सारे बिल्डिंग कितना अच्छा अच्छा डेकोरेट किया है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो चारों तरफ लाइट्स होना चाहिए, एंड रंगोली इज ऑल्सो गुड, शोज द क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल, तो वो भी अच्छा लगता है दिवाली में। ये हम आए बिल्डिंग नंबर 25 में, यहाँ पे लोगों ने दुपट्टा के साथ डिफरेंस फोटो के साथ डेकोरेट किया है, रंगोली भी काफ़ी अच्छे बनाए। 25 बिल्डिंग का कुछ प्लेस नहीं मिला, लेकिन उनका डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है। अभी हम आ गए हैं 26 बिल्डिंग पे, जहाँ जो बिल्डिंग फर्स्ट आया है, यहाँ पे इन लोगों ने रीयूज किया है चीज़ों के, एंड द मेन थिंग जिसके लिए इनको प्राइज मिला है, इन लोगों ने राम मंदिर का रेप्लिका बनाया है यहाँ पे, एंड ऑल दीज आर हैंडमेड। लाइटिंग भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा लुक आ रहा है बिल्डिंग का, सिंपल के साथ अच्छा रखा है। और राम लला मंदिर का रेप्लिका बनाया है इन लोगों ने, इसके साथ साथ राम लला को भी इन लोगों ने यहाँ पे प्लेस किया है, जो कि और एड ऑन करता है इसके ऊपर। लाइव राम लला देखने को मिला, इज अ यूनिक आइडिया, कोई ऐसे बन के खड़ा हो गया, वेरी नाइस। अभी हम जा रहे हैं रतुंडा में, जहाँ पे फायर वर्क्स बस्टिंग हो रहा है, काफ़ी पोल्यूशन है चारों तरफ हुआ है। बेसिकली मैं ये सपोर्ट नहीं करती हूँ इतना पोल्यूशन एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये सारे मुझे लगता है पैसों जलाना होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बचपन में कभी जलाया नहीं है, हम लोगों ने भी बहुत जलाया, पर जब से मुझे समझ आया कि ये पैसा बस जलाना होता है, तब से मैंने ये छोड़ दिया। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिलता है और हम ऐसे पैसे जलाते हैं। हम दिया जला सकते हैं, हम लाइटिंग कर सकते हैं रंगोली के साथ, दैट्स गुड। तो यहाँ पे हम फायर क्रैकर शो देख रहे हैं, ये सोसाइटी से हर साल अरेंज किया जाता है, एंड जिसको भी पटाखे फोड़ना होता है एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे आके वहीं पे सारे लोग फोड़ते हैं, तो दैट इज़ गुड कि पॉल्यूशन इज़ कन्फाइंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली। क्या मस्त मस्त पटाखे था, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं वहाँ पे रुक नहीं पाई क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है और धुआं बहुत हो रहा था पॉल्यूशन की वजह से। दूर से ही मैंने थोड़ा बहुत पिक्चर लेने की, वीडियो लेने की कोशिश की है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
ये कुछ 20 शॉट्स 50 शॉट्स वगैरह रहता है तो कंटिन्यूसली एक के बाद एक पड़ता जाता है, तो वही उसी का शो चल रहा था। ज़्यादा देर तक इतने कि हमने उधर पॉल्यूशन की वजह से, फिर हमने बिल्डिंग विजिट शुरू किया। ये है बिल्डिंग नंबर 14, जिसको थर्ड प्राइज मिला है। काफ़ी अच्छा किया है, यहाँ पर पेंटिंग किया है और जो भी वो लोगों ने शो किया है सारे हैमलेट्स हैं। फूलों के साथ रंगोली बनाना है मैंने। सारे बिल्डिंग ने अपने अपने बेस्ट करने की कोशिश किया है।
सर जिसको सेकंड प्राइज मिला है, दे हैव शोन हियर द टेक्सटाइल ऑफ इंडिया एंड रंगोली के साथ वो टेक्सटाइल शो करने की कोशिश किया है नीचे रंगोली के साथ, एंड ऊपर इंडिया का जितने सारे टेक्सटाइल है वो फ्रेमिंग करके उन लोगों ने लगाया। ये भी एक काफ़ी अच्छा आइडिया है दिखाने का इंडिया ट्रेडिशनल थिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया। दे हैव गॉट सेकंड प्राइज और रंगोली भी फूल का बनाया था। ये सब हैंडमेड बना था, कैंडल स्टैंड छोटे छोटे बच्चों ने बनाया, यहाँ का माता का एक कटआउट रखा है, ये फूलों का रंगोली, सिंपल बस बट काफी अच्छा किया। लाइटिंग्स भी सिंपल सुंदर है दिखने में, अभी आए हम बिल्डिंग नंबर 14 में। बिल्डिंग नंबर 14 को हमारे बिल्डिंग के साथ कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है जॉइंटली, तो इन लोगों ने काफी लाइटिंग किया है, का लाइटिंग का काम ज्यादा है, फूलों का रंगोली बनाया सामने लिफ्ट के सामने, फूलों का रंगोली बनाया, पॉर्च का रंगोली भी काफी अच्छा है। बालकनी का यहाँ पे हमने लाइट लगाया, ये है हमारे बिल्डिंग, हमारे बिल्डिंग को कंसोलेशन प्राइज मिला है। रंगोली बहुत बड़ा एंड बहुत ही क्रिएटिव है, और बच्चों ने यहाँ पे शिवाजी का किला बनाया था, वो भी बहुत मेहनत किया है बच्चों ने, उसमें थोड़ा छोटा छोटा पौधे लगाए, and it was looking like a real किला। होप आपको अच्छा लगा होगा।